देखो लिपस्टिक बैगन मैं लेने आई हूँ यहाँ पे। मोबाइल में ये वीडियो जरूर देखिएगा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, ठंड बढ़ चुकी है और आज ना मेरी बिटिया लेट उठी थी ठंड की वजह से, इसीलिए ना मुझे उसको स्कूल ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि लेट हो चुका था, तो बस मिस हो गई थी। तो अभी मैं रिटर्न आ रही थी तो पापा भी मेरे साथ आए हुए हैं। पापा को बताया कि यही एक नर्सरी है जहाँ मैं ना सस्ते में प्लांट्स लेती हूँ। और आप लोगों के भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मैं प्लांट्स, जो हेल्दी मेरे प्लांट्स रहते ना, मैं कहाँ से उठाती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट नर्सरी है और ये नोएडा में ही है, मतलब जो चार मूर्ति है ना अपना, उसी के जस्ट नज़दीक ही है। तो आप अगर चाहो तो कभी भी विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएंगे इसके। यहाँ जो प्लांट्स का स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो 15 रुपये से शुरू हो जाता है। पहले भैया 10 रुपये में देते थे, अब शायद 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो चलिए, वो बात अलग है। लेकिन मनी प्लांट, सिंगोनियम, यहाँ कुछ भी अगर आप चाहोगे लेने ना, तो आप यहाँ पे जो थैली वाले आते हैं ना, 15 रुपये में, 30 रुपये में, आप देखिए सिंगोनियम यहाँ से ले सकते हैं। ये जो पिंक वाला सिंगोनियम है ना, ये मुझे 30 रुपीज़ में यहाँ पे देते हैं। तो वो मैंने सोचा कि एक बारी आप लोगों से भी शेयर कर दूं। अगर आप नोएडा में रहते हो तो ये नर्सरी जरूर विजिट कर लीजिएगा। एक और खास वजह है यहाँ आने का, वो मैं चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 किलो मूली दे दो मुझे। कौन सी? सेम लिपस्टिक? लिपस्टिक बैगन नाम है क्या? अच्छा, देखो लिपस्टिक बैगन मैं लेने आई हूँ यहाँ पे। देखो इतना मूली हमने लिया हुआ है। हाँ, ये निकाल दिए मैंने। अरे भैया, इसका तो साफ भी बन जाएगा। हाँ, हाँ। आपने तो लगता है 1 kg से ज्यादा ही उठा लिया। कोई बात नहीं, देख 2-4 ज्यादा भी हो जाएंगी तो क्या फर्क पड़ गया। एक्चुअली क्या है ना कि मैं यहाँ जब कभी भी आती हूँ तो इसी मकसद से आती हूँ कि इनसे मिल भी लेती हूँ, बातचीत भी हो जाता है, मन भी हल्का हो जाता है। तो मुझे लोगों से एक्चुअली कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कभी भी मैं बाहर भी जाती हूँ ना, तो आप लोगों से मिलते ही रहती हूँ। सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ ये मुझे लगता ही नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब लोग मेरे परिवार हो। ये जो नर्सरी है मेरी बिटिया के बिल्कुल स्कूल के नज़दीक है, तो जब कभी मैं इसे ड्रॉप करने आती हूँ तो यहाँ से दूध लेकर चली जाती हूँ, ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ लेकर चली जाती हूँ। और देखिए, खेत से निकाला हुआ, मिट्टी से निकाला हुआ, तुरंत जब आप एकदम फ्रेश वेजिटेबल कुक करोगे ना, उसका खाने का जो स्वाद है, उसका जो मजा है, एकदम तिगुना बढ़ जाता है। अब ना दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया वॉल डेकोर शेयर करने वाली हूँ। क्विक हैक जिसको बोलते हैं ना, जैसे अपने पास थैली ऐसे पड़े होते हैं, मैं यूजुअली जैसे डी मार्ट जाती रहती हूँ तो मेरे को ऐसे काफ़ी सारे थैले मिल गए थे। अब तो मैं खुद का लेकर जाती हूँ, ये ना बहुत सारे हो गए, तो इसको इकट्ठा करके रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मैंने सोचा कि इस बार एक DIY बनाते हैं। तो इसके लिए ना, पहले हमने कुछ पेटल्स वगैरह या कुछ डिज़ाइन जैसे होते हैं ना, वो मैं कट करके इसमें निकाल ले रही हूँ। ये ऐसा है कि इसके ऊपर आप चाहो तो मार्कर चला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वो फेब्रिक वाले जो चौक आते हैं ना, आप वो इस्तेमाल कर लेना। इससे ना काम काफ़ी आसान हो जाता है। ये मैंने ऐसा कभी आप लोगों से शेयर नहीं किया, तो एक नया आइडिया भी है और साथ ही साथ ना बनाने में भी बहुत ही आसान है। अगर आपके पास जूट रोप अवेलेबल है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो जो कॉटन वाले रस्सी आते हैं ना, तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, जूट रोप को इसी तरीके से आप लगा करके छोड़ दीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद जैसे जैसे फेविकॉल सूखता
रहेगा ना तो ये काफी कड़ा हो जाएगा। जैसा आप शेप देना चाहोगे, मोड़ना चाहो तो आप मोड़ सकते हो, फिर आप कुछ अलग सा परफेक्ट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। वॉल डेकोर के बेस के लिए ना मैंने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है। आप जो साइज है ना कार्डबोर्ड का अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर, उसके ऊपर लगाने के लिए अगर आपके पास कोई भी वेस्ट फेब्रिक बचा हुआ है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का जो मेरे पास बुकरम शीट है ना वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। देखिए बुकरम शीट से रिलेटेड काफ़ी सारे आइडियाज़, DIYs, वॉल डेकोर, हैंडमेड जितने भी आइटम्स हैं मैंने काफ़ी सारे अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं, और बहुत दिन के बाद मैं ये DIY आपसे शेयर कर रही हूँ, वो भी बुकरम शीट इस्तेमाल करके। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी शर्ट वगैरह है वाइट तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी एक्रेलिक कलर है, लेकिन अगर आप चाहो तो फेवरिक कलर का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। फेवरिक कलर अगर आप यूज करोगे ना तो हल्का सा वो गाढ़ा रहता है, तो थोड़ा सा आप चाहो तो पानी भी मिक्स कर सकते हो। देखिए सूखने के बाद जो भी जूट रोप है फेवरिक के साथ कितना अच्छे से कड़ा हो गया है अब है, तो इसको फेविकॉल के हेल्प से हम आसानी से इसके ऊपर चिपका सकते हैं। बॉटम में हम फेविकॉल लगाएंगे लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा ना उसको बस खाली छोड़ देंगे, तो एक जो एक 3D इफेक्ट आता है ना वो यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा है। कि एक और आइडिया ना थोड़ा अलग हटके मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ, पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है सारी चीजें हमने जो इस्तेमाल की है वो सेम है, लेकिन बैकग्राउंड कलर आपको अलग मिल जाएगा और डिजाइन में थोड़ा सा मैं यहाँ पे फर्क रख रही हूँ। जूट रोप हमने लिया है, जूट रोप को बस रोल करते जाना है, आधा आधा पौना पौना इंच थोड़ा हम रोल करेंगे या 1 इंच या 2 इंच जैसा रोल कर करके इस तरीके का डिजाइन बनाकर आप ना इसके ऊपर पेस्ट करते जाए हैं अभी से। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप वॉल डेकोर के तरीके यूज कर सकते हैं। थोड़ा और इसका जो खूबसूरती है एनहेंस करूंगी। मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे, जो गोल वाले बीट्स है ना उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, तो एक 3D इफेक्ट आता है, एक फ्लावर जैसा लुक भी लग रहा है देखने में। तो ये पैटर्न एक्चुअली मैंने Pinterest से लिया था जो कि ना पिलो कवर्स में था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वॉल डेकोर के तरीके बना करके मैं एक बार ये ट्राई करके देखती हूँ, आपसे भी शेयर करती हूँ। दूसरा वाला जो आइडिया है ना इसमें 1-1 इंच करके जो जूट रोप है उसको कट कर देंगे, और कट करने के बाद फ्लावर जैसा जो पैटर्न होता है ना उसी के तरीके हम इसमें चिपकाते जाएंगे। तो ये है एक अलग सा डिफरेंट सा अनोखा सा वॉल डेकोर जो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर कर देना चाहिए। देखिए बनने में बहुत ही खूबसूरत है, अलग अलग आइडियाज मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। आप लोग मेरे को बताइएगा जरूर कि दोनों में से कौन सा आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों देखिए कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि अपने ज़िंदगी से वो पल जाए ही ना। मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों से शेयर भी किया था जब पापा आए थे, तो और देखिए सच बताऊं तो पापा ज़्यादातर फेसबुक वगैरह देखते हैं, मतलब होता है ना कोई कोई कुछ प्लेटफॉर्म को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी का इंक्लिनेशन किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ है, तो बस बहुत ही रेयर केस अगर हो गया है तो पापा मेरा वीडियो देखते हैं। मैंने पापा को बोला भी था कि पापा एक बार ही ना आप अपने मोबाइल में ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। भर भर के मेरे जितने भी फैमिली वाले हैं आपको ब्लेसिंग्स भेजे हैं, हम दोनों को प्यार भेजे हैं, मतलब उसके लिए थैंक यू सो मच। और वो मोमेंट पापा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। फीडबैक देखने के बाद पापा थोड़े से इमोशनल हो गए थे, ब्लेसिंग्स आपने भर भर के भेजे हैं, काफ़ी लाइक्स भी मिले हैं मेरे कहने के बाद। जब मैंने पापा को वो लड्डू चखाया था अगर आपको याद हो, तो ये मैं बना करके भी रखी थी पापा के लिए, दूसरी बार अभी बनाई हूँ। आज मैं थोड़ा ज़्यादा बैच में बनाने वाली हूँ, लाइक 1 से 1.5 KG बनाऊंगी, क्योंकि पापा का अब जाने का भी टाइम हो गया है। सर्दियों के दिनों में ना ये लड्डू काफ़ी फ़ायदा करता है, हम सब खा सकते हैं, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पापा ना डायबिटिक पेशेंट है तो मैं ना यहाँ पे चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मेजरमेंट को आसान बनाने के लिए मैं ये स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं पाव भर एलमंड ले रही हूँ, और देखिए एलमंड को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, एकदम लो फ्लेम में करके मैं इसको भून रही हूँ। तब तक मैं एक पैन में गोंद ले रही हूँ। देखिए ऐसे गोंद ठंड के दिन में ना बॉडी को काफ़ी गर्म रखते हैं, तो आप गोंद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है, बच्चे हेल्दी भी रहते हैं, जितने बच्चों
बच्चों को जैसे शिकायतें होती है ना, बहुत ही जल्दी जल्दी उनके जुकाम होने लगते हैं, सर्दी होने लगती है, तो ना आप गोंद का लड्डू बना लीजिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल लीजिए, मावा वगैरह डाल लीजिए, तो जब कभी भी आप दूध देते हो ना तो ये लड्डू ज़रूर उनको साथ में दिया कीजिए। देखिए इसके जो दाने हैं ना काफ़ी छोटे छोटे से हैं, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि जब हम लड्डू बांधेंगे ना तभी वो थोड़ा सा क्रश करके अपने आप पाउडर बन जाएगा, लेकिन चूंकि अब पापा का उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो मिक्सी में ग्राइंड करके ही उससे लड्डू बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले रही हूँ नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा मेरे पास हमेशा पैकेट में पड़ा रहता है, मेरी बिटिया को मैं कभी कभार जैसे होता है ना इंस्टेंट लड्डू बनाना हो तो फटाफट से मैं गुड़ डाल करके बना के उसको दे देती हूँ। तो मीठा मैं कोशिश करती हूँ कि घर का भी, उस पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मार्केट के जो मीठे होते हैं ना, मतलब स्वीट्स आइटम होते हैं, वो मैं कम से कम परचेज करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं ना घर का ही चीज़ बना हुआ अपनी बिटिया को दूँ, पूरा हो जाए और नारियल के तेल जैसी खुशबू आने लगे, बस इसको बंद कर देना है। ठंडा होने के बाद मैं इसी में इसको मिक्स कर दूंगी। तो एलमंड को मैंने बंद कर दिया था और ये ठंडा भी हो गया है, तो देखिए इसी तरीके का कलर आना चाहिए एलमंड का, मैंने ज़्यादा इसको भुना नहीं है। अब छोटे से जो जार है मिक्सी का उसमें मैं एलमंड डाल करके क्रश कर दूंगी, देखिए इस तरीके का। उसमें ये दोनों चीज़ें मैं मिक्स करके ना एकदम फाइन पाउडर बना लूंगी, देखिए इस तरीके का दिखेगा ये पाउडर। तो पहला मेरा तीन इंग्रेडिएंट रेडी हो गया है। इस वाले जार में हमने मिक्स किया था एलमंड, गोंद और नारियल का बूरा। अब एक पैन में 100 ग्राम जैसा अलसी लिया है मैंने, और ये जो अलसी है ना इसके मैंने दो वेराइटीज़ देखे हैं यहाँ पे, एक तो बहुत ही बारीक बारीक वाले आते हैं एकदम छोटे छोटे से रहेंगे, और एक इस तरीके का जो अभी आप देख रहे हो फ्लफी रहता है, मोटा सा रहता है, ये खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी लगता है। अलसी ना हमें हमेशा अपने डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए, आप सालों भर इसको कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे आप ना इसको पाउडर बना करके पी लीजिए। अलसी के अंदर ना बहुत ही नेचुरल ऑयल रहता है जो कि घुटनों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और बूढ़े बुजुर्ग को तो अलसी हमेशा खाते ही रहना चाहिए, इसमें ना भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 है। तो ठंड में ना ऐसे लड्डू हम सबको खाने चाहिए, लेडीज को तो खास कर खाना चाहिए, और स्किन बहुत ही आपका ग्लो करने लगेगा। ओट्स का इस्तेमाल तो देखिए हम डाइट में करते रहते हैं, तो लड्डू में भी हम डाल सकते हैं। तो 250 ग्राम मैंने यहाँ पे ओट्स डाल दिया है, इसको हल्का सा ना मैं भून लूंगी, एकदम जैसे ड्राई रोस्टिंग करना है ना, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करूंगी जो इसका कच्चापन है वो फ्लेवर हट जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रागी का आटा, लूज भी मिल जाएगा, पैकेट वाले भी मिल जाएंगे, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो आप वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे हमने पाउडर डाला था हल्का सा, मैं इसको भूनूंगी, कच्चा इसका जो फ्लेवर है वो हट जाएगा। अब देखिए तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी कर लिया है, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो भी चीज आप ना मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए डालो थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। तो यहाँ पे मैंने अलसी डाल लिया है, और इसको हल्का सा जब एक बार चला लीजिएगा उसके बाद जो ओट्स का मिक्सचर है वो यहाँ पे डाल लेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि यहाँ ना ही मैं चीनी ले रही हूँ ना ही गुड़ ले रही हूँ, तो लड्डू बनाने के लिए कुछ तो स्टिकी बन चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं डेट्स ले रही हूँ। डेट्स देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, और देखिए इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा खजूर बढ़ा दीजिए। आप में से दो तीन लोगों ने मेरे को ये कमेंट किया था कि मैम आप इसी तरीके से मतलब व्लॉगिंग भी करते जाइए, साथ ही साथ डेकोर वाले जो हमें वीडियो शेयर करते हैं वो भी करते जाइए। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के अकॉर्डिंगली चलना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ्रीक्वेंटली वीडियोस पोस्ट करते रहूँ, आप लोगों से शेयर करती रहूँ, क्योंकि मुझे ना अब आप लोगों से कनेक्ट करना वो भी जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं नीचे बहुत सारी लेडीज़ से मिलती रहती हूँ और नए नए फेसेस देखती हूँ, नए नए फ्रेंड्स बनाती हूँ, तो है ना धीरे धीरे करके हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आप लोगों को वॉल डेकोर का आइडिया, और ये लड्डू एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और चूंकि देखिए मैं अपने पापा के लिए ऐसे लड्डू बनाए हैं और बिटिया को भी पसंद आ रहा है, तो एक बार आप भी अपने घर पे बनाइए, सबको खिलाइए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।